हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है कैंपस से। मेरा नाम है रक्षित थपलियाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज NIFT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के दिल्ली कैंपस में। अब हम आ गए हैं NIFT की फैशन डिजाइन लैब में और यहाँ पर मिलने वाले हैं आपके कई सारे सवालों के जवाब, जैसे कि एंट्रेंस का क्या प्रोसीजर है और किस तरह से क्या कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या कोर्सेज यहाँ पर हैं, क्या पढ़ाया जाता है और क्या नहीं। आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब यहाँ की डायरेक्टर प्रोफेसर वंदना नारंग जी से। हेलो मैम। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम, नाइस टू हैव यू हियर। तो सबसे पहले जो लोगों का सवाल आता है इस कोर्स में एंट्री लेने के लिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना होता है लोगों को यहाँ पे एंट्री पाने के लिए? हमारे यहाँ पे ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम होता है जो 3 लेवल का होता है, जो उसके लिए आपको कोई भी तैयारी करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। अगर आप में टैलेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी ड्राइंग प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आजकल स्कूल्स में ड्राइंग पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। पहला एग्ज़ाम हमारा होता है जनरल एबिलिटी का, जिसके अंदर इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिक, रीजनिंग, ये सब टेस्ट होता है। दूसरा एग्ज़ाम होता है क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर आपकी ड्राइंग कैसी है, आपका स्किल लेवल कैसा है, आपका परसेप्शन कैसा है, आपका प्रोपोर्शन कैसा है, आपको कलर्स कितने समझ आते हैं और कितना डिटेल में आप देखते हैं, वो चेक होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है डिज़ाइन के लिए। उसके बाद जो इसमें से छटाई होती है, मतलब सिलेक्ट किए जाते हैं टॉप के वन, अगर हमारी 3000 सीट्स हैं तो हम 9000 लोगों को सिचुएशन टेस्ट के लिए बुलाते हैं। तो 9000 जो सिचुएशन टेस्ट है, जैसे नाम समझ आता है कि सिचुएशन है, उसके अंदर एक गिवन क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, गिवन सेट ऑफ मटेरियल दिया जाता है जो लिमिटेड होता है, जिसके अंदर कुछ पेपर होते हैं, कुछ लीनियर मटेरियल होता है, कुछ स्फेरिकल मटेरियल होता है, और उसके बाद एक कैंडिडेट्स होते हैं, उनको एक मॉडल बनाना होता है जो एक थीम बेस्ड होता है, विच कैन बी एज सिंपल एज अ ट्रॉफी, अ बैग, अ टेबल, और कैन बी एब्स्ट्रैक्ट लाइक मोशन, लव, हैप्पी, सैड, कुछ भी हो सकता है। और हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है, देश के कोने कोनों से बच्चे आते हैं, और यहाँ पे जो बच्चे आप क्लास में देख रहे हैं उनमें से शायद 4 या 5 दिल्ली के होंगे, बाकी सब बाहर के हैं। अगर आपको कोई एक क्वालिटी, अगर कोई एक ट्रेड अगर किसी बच्चे में देखना होता है सेलेक्ट करने के लिए किसी एक स्टूडेंट में, तो व्हाट वुड दैट बी? ओनली क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, दैट इज द थिंग दैट मैटर्स। अब दूसरा सवाल आता है मैम, व्हाट आर द कोर्सेज दैट आर ऑफर्ड बाय NIFT? NIFT ऑफर्स 10 कोर्सेज, 7 एट द बैचलर्स लेवल, 3 एट द मास्टर्स लेवल। बैचलर लेवल पे डिज़ाइन में हमारे 6 कोर्सेज हैं, फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, निटवेयर डिज़ाइन, एक्सेसरी डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन एंड लेदर डिज़ाइन। और टेक्नोलॉजी में हमारा एक कोर्स होता है बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, मास्टर्स में मास्टर ऑफ डिज़ाइन, मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट। इन सब के अलावा NIFT ऑल्सो ऑफर्स PhD प्रोग्राम। अब कई तबकों से लोग आते हैं, इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और फाइनेंशियल डाइवर्सिटी भी एक चीज़ होती है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ शायद टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे भी पढ़ के गए हैं और हमारे यहाँ एक किसान का बच्चा भी आता है जो शायद फीस हमारी अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे यहाँ 2 स्कीम्स हैं स्कॉलरशिप्स की, एक हमारे कई स्पॉन्सर्स स्कॉलरशिप देते हैं पर वो बहुत कम होती है। हमारी फीस, अगर किसी के पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है तो पूरी फीस, एक जितनी भी फीस हमारी होती है वो हम पूरी की पूरी देते हैं और उस स्कीम को हम सार्थक कहते हैं। इसके अलावा जो इस बच्चों को ये स्कॉलरशिप्स मिलती है और वो लैपटॉप नहीं खरीद सकते, जो एक आजकल ज़रूर चीज़ बन गई है, उसके लिए भी एक पॉलिसी है जो उनको एक लोन के ऊपर दिया जाता है जो 4 साल में उनकी स्कॉलरशिप में से या उसमें से कट जाता है। सो प्रैक्टिकली 2 स्कीम ये हैं, और तीसरा हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं जो इंटरनेशनल जाते हैं, हमारे यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन है। अगर ये बच्चे उनमें जाना चाहें तो ये अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, तो हमारे यहाँ एक और स्कीम है, उसको समर्थ स्कीम कहते हैं, जिसके अंदर ये स्टूडेंट्स अप्लाई करके दे कैन गेट चांस टू गो अब्रॉड ऑल्सो। एक बात जो मैं अब यहाँ पर करना चाहता हूँ वो ये कि फैशन एक बहुत ही ग्लोबल फिनोमेना है, तालमेल रखना समय के साथ में बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में इंडिया बीइंग अ ट्रेडिशनल कंट्री,
NIFT के स्टूडेंट कैसे ताल से ताल मिला रहे हैं? इज देयर अ फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम स्टूडेंट का या फिर फॉरेन फैकल्टीज आती हैं, ऐसा कुछ है? स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, इंटरनेट से एवरीथिंग इज इन योर क्लासरूम इन योर हैंड. आप वाईफाई के थ्रू कहीं पे भी जा सकते हैं. वी ऑफर अ ड्यूल डिग्री विद FIT न्यूयॉर्क इन विच अ स्टूडेंट डज अ 4 years बैचलर्स हेयर और उसमें एक साल, मतलब चार में एक्स्ट्रा नहीं, चार में से ही एक साल वो वहाँ जाके एसोसिएट डिग्री करता है और उसको ड्यूल डिग्री मिलती है. उसको एक डिग्री FIT से मिलती है और एक NIFT से मिलती है. तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठाते हैं और जाते हैं. अब मैम, आपने FIT की बात करी है, उसके साथ में हमारी हिस्ट्री लॉन्ग बैक जाती है NIFT. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. NIFT वॉज एस्टैब्लिश बाय विद द कोलैबोरेशन ऑफ FIT न्यूयॉर्क इन 1986. जहाँ तक कि वहाँ से फैकल्टी और डीन आए थे जिन्होंने यहाँ पूरा स्ट्रक्चर सेट किया था. आपने ग्लोबल की बात की, हमने FIT से फैशन का कोर्स बना तो हमारा एक नेचुरल टेंडेंसी था फॉर इंटरनेशनल गारमेंट्स और ग्लोबल गारमेंट्स. पर हमने अपना बेस कभी नहीं भूला. हमारा हर एक स्टूडेंट, वो डिज़ाइन का हो, वो मैनेजमेंट का हो, वो टेक्नोलॉजी का हो, वो सब के सब कम से कम 15 दिन क्लस्टर में जाते हैं और क्राफ्ट्समैन के साथ काम करते हैं. उनके साथ रह के वहाँ सीखते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं. इससे दो फायदे होते हैं, इनको क्राफ्ट की नॉलेज होती है, अप्रिसिएशन ऑफ देयर ओन हेरिटेज इज देयर, प्लस जो आर्टिज़न है, जो एक डिसकनेक्ट हो गया था कि वो ही ट्रेडिशनल चीज़ें बना रहा था, तो वो कैसे आज की ग्लोबल ऑडियंस के लिए, ये यंगस्टर्स के लिए, इंटरनेशनल मार्केट के लिए कैसे बनाए. स्टूडेंट्स के साथ वहाँ जाके उनको ये समझ आता है कि इंडस्ट्री मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे प्रोडक्ट पैक होता है, कैसे बिकता है. चाहे आप 25 रुपये की भी एक पैकेट खरीदते हैं और चाहे आप एक पैकेट 4,000 का भी खरीदते हैं, क्वालिटी के अलावा उसमें पैकेजिंग और स्टोरी भी होती है. यही चीज़ उनको सिखाया जाता है. मैम, एक चीज़ मैं आपसे जो पूछना चाहूँगा वो ये है कि इतने सारे जगहों से स्टूडेंट्स आते हैं, आप ही ने बताया कि पूरे इंडिया भर से, इवन बाहर से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनके रहने का यहाँ पे क्या इंतज़ाम है? हमारे पास एक गर्ल्स हॉस्टल है विच इज़ नॉट सफिशेंट फॉर एवरीवन, बट दैट इज़ द बेस्ट वी हैव बिकॉज आर कैंपस इज़ राइट इन द हार्ट ऑफ द सिटी एंड वी कांट गो बियॉन्ड इट. एंड वी हैव अ हॉस्टल फॉर 200 गर्ल्स. कि बाकी जगह हर स्टूडेंट मेस के खाने से बहुत दुखी हो जाता है. जी, बिल्कुल, बिल्कुल. हमारे पास मेस नहीं है, वी हैव वेंडर्स फ्रॉम वेयर द स्टूडेंट्स कैन बाय द फूड एंड दे आर इंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड अ प्रॉपर थाली विच इज़ हेल्दी. बट इफ़ द स्टूडेंट डजेंट वॉन्ट टू ईट, ये मैंने अपनी डॉटर से समझा, क्योंकि वो ऐसे हॉस्टल्स में है जहाँ पे 5-5, 6-6 मेसेज हैं और डिफरेंट तरह का खाना मिलता है लेकिन हमेशा अनसेटिस्फाइड रहती है. तो हमने, हमारे पास 5-6 मेस बनाने की तो जगह नहीं थी, हमने 5-6 वेंडर रखे हुए हैं. एंड इफ़ यू गो टू आर कैंटीन यू विल नोटिस दैट एवरी ईयर वी हैव वॉल पेंटिंग कॉम्पिटिशन विच दे पेंट विद वन क्राफ्ट. एवरी ग्रुप पिक्स अप वन क्राफ्ट and paint it in the most modern way. I did say that India is a traditional country aur yahan par hame kai baar hamari purani cheeze hold back kar deti hain, to kya kare un parents ko samjhane ke liye kuch aisa kahiye jo apne bachchon ke talent ko, creativity ko bandh karke rakhna chahte hain, fashion mein aage nahi badhne dena chahte. I disagree with you. Aaj ke date mein aisa koi student nahi hai. Ha, lekin kuch saal pehle tak aise parents the jo bachchon ko Delhi ya fashion karne ke liye sochte the. बट आज के उसमें फैशन हैज़ कम मच हायर इन द परसेप्शन ऑफ इंजीनियरिंग, डॉक्टर एंड दिस थिंग लॉयर के बाद अब फैशन में भी आ जाते हैं. लेकिन हाँ, एक मिसकंसेप्शन है कि जो पढ़ने में अच्छा नहीं है उसको डिज़ाइनर बना दो. रादर द पर्सन हु इज़ मोस्ट क्रिएटिव इज़ द पर्सन हु बिकम्स अ फैशन डिज़ाइनर. मैम, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग ऑल आर क्वेश्चंस. हमारे कई सारे देखने वालों के जो सवाल होंगे वो, उनके जवाब अब उन्हें मिल गए होंगे और इन जवाबों के साथ में अब हम आगे बढ़ते हैं. कुछ ही देर में बात करेंगे यहाँ के प्रोफेसर से और कोर्सेज के बारे में और भी जानकारी लेंगे. Curriculum, we have introduced majors and minors, and then the students are also getting to learn some interpersonal skills through the general electives. The majors is
talks about all the subjects that are relevant to the actual department that they have chosen when they get into NIFT. So like the leather design department student would have leather as the major, and then they are free to choose any minor from any other department. Likewise, any other department, say for fashion design department or knitwear department or fashion communication department, these students, they would have these departments as the majors, and they would choose a minor from any other department, depends on their area of interest. The leather design department is one of the 6 undergraduate design programs that NIFT is offering, and leather is one of the materials which is the main material per se which is being used in the department. So as the name of the department is, that it's the leather design, so the students primarily work with the leather as the material in this department. They learn to work with leather. So they become a little confident to handle the material. So they are able to go towards designing. And that's when they handle designing of the material as well. Between the second and the third year, they also go for a grassroots connect to the cluster area. So NIFT also offers a very dynamic cluster initiative, craft cluster initiative, which is again common to all the departments of NIFT, and it's a very major aspect of every student's curriculum, where they are connected to the grassroots level to the artisans in the villages who are practicing traditional crafts. So it is very systematically divided between the semesters. So in the between the second and the third semester, third year, the students go for diagnostic study. So they understand what the craft environment is all about. The student enters the department. They also get to choose between what kind of products would they want to go ahead with. So they learn garments, they learn footwear, they learn accessories, and then they also get to learn lifestyle accessories. Material is not a foundation, as I said earlier as well. So they are taught about how to handle fabric, how to handle non-leather materials. Like these days, there are so many different types of faux leathers which are there in the market. So they get to work with that. Then they also simultaneously learn materials like hard goods, soft goods. So when they are learning hard goods, they are working with wood, metal, and so many more materials. So it's a very dynamic and a versatile program which offers at one go. A student who takes up leather is able to handle any material per se, because the basic understanding of designing is with them. They have worked with so many different materials that once they go out after graduating, they are free to choose and pick any product of their choice and any material of their choice that they would actually want to go ahead with in their future lives. The accessory are designed about all products. We do lifestyle accessory products. We do interior products also. We do all lifestyle accessory products like a kitchen and then dining products, interior products. We work with all type of materials also. People goes jewelry, body adornment, and then people go to fashion lifestyle accessory products. Apart from sketching, we work with various type of materials. We work with clay, we work with wood, we work with metal. We teach students how to handle all type of hand tools and all. We teach students how to develop their products. We make student itself make their own prototype models also for the final products. Yeah, we do display, we do for the final semester students, we do the graduation show project where we place that all that students work together. So students, they get their work done in the industry. The student stays for 6 months in the industry, and then they develop the products. They bring their final products to the department, and then we showcase their products. Students goes to the jewelry industries, student goes to the craft sectors also, because we teach, we go to the craft sectors also, we understand the craft, we study the craft and process, we develop the products with the crafts people, and then students go to the craft sector also, as well as the lifestyle luxury products like interiors, furnitures, other like a lighting also.
The NIFT engineering department established in the year of 1994, and this is the first founder, we can say, this is the first established center in for NIFT design department in Delhi. And we are having lot of machines, flat rating machines, hand flat rating machines, and combine rating machines. And we are having a GC department, pattern making department, and all the students, they have to work on GC lab, pattern making lab, and combine rating lab. 1986 यानी कि 1986 में NIFT की शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत खुले इस इंस्टीट्यूट को 2006 तक का समय लग गया ताकि NIFT एक्ट के अंडर वो फाइनली अपने स्टूडेंट्स को डिग्रीज प्रोवाइड कर सके। अब कुछ हमारे देखने वाले जिन्हें NIFT के बारे में ज़्यादा नहीं पता होगा, उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि कितने बड़े बड़े ब्रांड्स और नाम यहाँ से निकले हैं। आई मीन सब्यसाची मुखर्जी, मनीष अरोड़ा, रितु बैरी, प्रबल गुरुंग, कौन से नाम बचे हैं, द लिस्ट गोज ऑन। हाँ, मेहनत करनी पड़ती है, उसका कोई जोड़ नहीं है, पर कुछ तो बात होगी जो ये सारे बड़े नाम और ब्रांड आज भी यहाँ के एलुमिनाई होने पर इतना प्राउड फील करते हैं। Ma'am, could you please tell us about what's going on in this class? This is a classroom of introduction to social design, and we are practicing a participatory design methodology where we are involving people in the design process. So each group, we have divided the class in groups, and each group is tackling a social concern that they have identified amidst their environment. So one group is working on seeing fabric waste as a resource. One group is working on looking at students and their interaction with their canteen. They are trying to make their experience much more happy. Trying to inculcate healthy eating habits in their routine. One group is looking at a bigger challenge of making people aware about their mental health and how they could build their mental reserves so that they could live a happy life. Then there is one individual, a PhD scholar, Bhavna, who's working on redesigning playing experience for kids which could unhook them from their digital addiction. We should make people buy consciously rather than buying more, because in the end, the clothes we use, the accessory we use, they end up into landfill if they are not properly donated to some needy person. The inspiration for this project was basically the landfills at Ghazipur Mountain. And the second thing is textile industry is the second most polluting industry after oil. I specifically want to design a particular area or a space where they can create something of their own. So I'm not going to provide them with a slider or a different kind of a car or a gadget. It is something, a space where they can make their something of their own and where they can show their own creativity. The idea is to make the approach participatory, where the students can participate and collaborate with the vendor, and they'll inculcate their own ideas and collaborating with the vendors and suggest their own recipes or any some ideas which they would like to have in canteen. So amongst the many concerns that were recognized, one was the mental health or the distress that the students face coming to a new city, coming to a new institute, and dealing with the amount of assignments, their issues at their PGs, canteen food, etc., etc. So we recognized that how about we could help them with some precautionary measures so that the disorder, one doesn't lead to a disorder. One could just switch to happier choices, happier thoughts, and a better life as a whole. स्वागत है आप सबका एक बार फिर से कैंपस से में। मेरा नाम है रक्षित थपलियाल और मेरे साथ मौजूद है NIFT की लाइफलाइन यानी कि यहाँ के स्टूडेंट्स। तो शुरुआत करते हैं ये जान करके कि यहाँ पे क्या क्लब्स हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, आप बताएंगे प्लीज़। मेरा नाम यश राहुल कविया है और मैं लिटरेरी क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारे यहाँ कॉलेज में 5 क्लब हैं
पहला लिटरेरी क्लब, दूसरा स्पोर्ट्स क्लब, तीसरा है वो है कल्चरल क्लब, चौथा है वो है फिल्म एंड फोटोग्राफी क्लब, और पांचवा है वो है सोशल क्लब। तो मैं लिटरेरी क्लब का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं बताऊंगा कि मेरा क्लब इस कॉलेज के लिए क्या करता है। सो वी एज द लिटरेरी क्लब ऑफ निफ्ट दिल्ली बेसिकली इंडल्ज आवरसेल्व्स इन ऑल थिंग्स लिटरेरी और ऑल थिंग्स कम्युनिकेशन, बी इट अ मैसेज दैट हैज़ टू बी गिवन टू द एंटायर कॉलेज। वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम चैनल विच गोज़ बाय द नेम ऑफ द टॉक ऑन स्पॉट, जिसमें बेसिकली अलग अलग बच्चों के इंटरव्यू होते हैं, तो आपको कॉलेज के बच्चों के बारे में जान पहचान मिलती रहती है। So that is what the literary club does. Hello, I am Anjali. I am the sports president of this college. So basically, sports president manages all the sports activities which are held during the semester. So now we are currently having the sports fest in our college, and we have this inter-NIFT competition at the end of the semester also, which is Kannur, which is a very big event. So we take several trials for that event also. So basically, all about the sports club. Hello, I am Nanika. I am the secretary of social club, and I'll tell you about social club. So apart from all the core activities that happen on the campus, social club is also involved in social campaigns. We do plastic free campaigns, we do donation drives, we do fundraising through various engaging activities like charity balls, and we have health camps set up. So our coming event is Health Week. Hi, I'm Ayushjan. I'm from Culture Club. So what Culture Club basically does is like they handle all the cultural event that happens in and on the college, and our main motive is to end the event with a great pomp and show. So we do all the events like Dashera Mela and any DJ night or Halloween. So functions like that which happens and all the events, we organize it, we work at the backstage of it. Hi, I'm Tudeep Kaur. I'm the secretary of the Film and Photography Club. As the name suggests, we are all about filming and photography. We do various photo walks, photo trips across the semester through which students get to work on their skills of photography, videography and graphics. Apart from that, we also make photo booth during the Dashera Mela, which we are working on right now, and we cover all the events that happen throughout the year, from the freshers to the spectrum, that is our fest. We are the official coverage team of NIFT. My name is Nisha Chauhan, and I'm from Knitwear Design Department. I'm from FPC, that is the Film and Photography Club of NIFT Delhi. Our club includes activities like workshops for filmmaking and photography, also movie screenings that are related to social cause, and we also do photo walks and photo trips that we do throughout the year. Fashion for me is expressing myself. Whatever I feel comfortable in, that is my fashion. नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए. खेलना है, अच्छा है, सही है, चलता है, टाइट है, टफ है. टीटी टेबल के पास. दशहरा मेला. There is something called haute couture, which is a French term, which literally means high fashion, right? So what high fashion means, something that is worn on the ramp, and ideally koi insan who is like in the audience would not wear it, like something like maybe Alexander McQueen makes, something like that. Then there is something called prêt-à-porter, so that literally means ready to wear, so which is like something we're wearing right now. So when these kind of things are up on the ramp, it's called prêt-à-porter or ready to wear. So these are the like two very basic bifurcations of the term fashion. As in, yeah. The famous word redo, because in the first semester we always get in every assignment, the design students especially, if I'm not wrong, redo is a basic. You can connect with any Niftian if you say a redo word in front of them. Basic lingo for all the places and locations around campus. So like we have the kund, so if you tell anybody else ki kund mein aa jana, they won't know what the kund is. So the kund is like right there, bahut samne hai wo, but nobody would know ki what the kund actually is. So then we also have liquidate, so it's like a small shack which sells snacks and everything, so wo baki logo ko nahi samajh aayega again.